मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओंकारेश्वर से टीकमगढ़ में आयोजित हुए कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु पंजीयन पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी बहनों की परेशानी को दूर करने के लिए लाडली बहना योजना की तरह आपके गाँव व शहरों के वार्डों में गैस सिलेंडर के लिए पंजीयन होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने ये फैसला कर लिया है कि रसोई गैस सिलेंडर अब 450 रुपए में लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना के हितग्राही बहनों को मिलेगा। लाभ लेने के लिए बहनों को सिर्फ आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ में आयोजित हुए कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर 268 करोड़ से निर्मित होने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मधाम ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की एवं संतों के साथ यज्ञशाला में आहुति डालकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास स्थित सभागार में महान अभियंता एवं राजनयिक भारत रत्न से विभूषित सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के श्यामला हेल्थ स्थित उद्यान में यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैकफ्री के साथ बरगद जामुन और कदम के पौधे रोपे। पौधरोपण में यूनिसेफ मध्य प्रदेश प्रमुख सुश्री मार्गरेट ग्वाड़ा भी साथ थी। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के मिशन खेड़ी स्थित नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कुलपति श्री एजी सुरेश उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज बैरसिया में 24 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सिविल हॉस्पिटल के नवीन भवन का भूमि पूजन किया।